सो हे गाइस, नमस्ते गाइस, वेलकम ऑन चैनल। मेरी सियार सिंह आ रही है। और गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बैकलिंक्स जनरेटर को लेके कि बहुत सारा टूल्स है ऑनलाइन अवेलेबल, कई सारा वेबसाइट जहाँ पर आपको फ्री में बैकलिंक्स मिल जाएगा, वो काम करता है कि नहीं करता है, आपको वहाँ पर कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लस उसका क्या कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट है क्या। उसके बाद यार मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस उसके बारे में शेयर करूँगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो यार, फ्री बैकलिंक्स जनरेटर, पहले तो यार आपको बहुत सारा जो वर्डप्रेस एक्सपर्ट है या फिर जो SEO एक्सपर्ट है वो सब बोलेगा कि ये सब काम नहीं करता है। पहले वो बोल देंगे कि ये सब काम नहीं करता, बेकार है ये सब, क्या जो जेन्युइन बैकलिंक्स है वही काम करता है। सो गाइस, ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो काम करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं से बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि मैं एक साइट बनाया था, ठीक है, वेबसाइट का मुझे नाम नहीं बताऊँगा आपको मैं, वो मैं वेबसाइट बनाया। उस तरह का वेबसाइट पहले से बहुत सारा था गूगल के पास, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा ही था, बहुत सारा वेबसाइट था वैसा, लेकिन कंपटीशन लो था, इसलिए मैंने सोचा चलो लो कंपटीशन लो है, ट्राई मारते हैं, देखते हैं शायद काम कर जाए। देखिए, मेरे पास और भी बहुत सारा वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको वेबसाइट को बना ही रहा था तभी मुझे कुछ उस लिंक्स मिल गया फ्री टूल्स का। वहाँ पर क्या किया, मैं अपने नया जो वेबसाइट है उसका लिंक जो सबमिट कर दिया, आप बिल जनरेटर में क्लिक मार दिया। अब वो जो है कुछ कुछ जो टूल्स है वो फ्री में मुझे 300-400 बैकलिंक्स जनरेट कर दे दिए। हाँ, ये बात है कि सब बैकलिंक्स में क्वालिटी वैसा नहीं था, मतलब नो फॉलो था, बेकार का क्वालिटी था, लेकिन यार 1.5 महीने बाद क्या हुआ कि यार वो काम किया बैकलिंक्स। मेरा जो वेबसाइट है जो आपका 8 या 9 पेज पर आ रहा था, ठीक है, मैं उसको कुछ भी बैकलिंक नहीं दिया, सिर्फ कॉन्टेंट बना के डाला था, सिर्फ एक सिंगल पेज का कॉन्टेंट था बना के डाला था, कुछ भी कोई बैकलिंक नहीं दिया उसको अपने वेबसाइट से। जो फ्री टूल्स था उसी को मैं यूज़ किया। असल जल क्या हुआ कि यार देख रहा हूँ कि यार 1.5 महीने के बाद मेरा जो वेबसाइट है यार सेकंड पेज पर शो कर रहा, गूगल का सेकंड पेज पर शो कर रहा था यार। इसका सिंपल सा मतलब है कि यार काम करता है। अब कौन सा टूल से मैं ट्राई मार रहा था मैं वो दिखाता हूँ। तो फर्स्ट में ले चलता हूँ, मैं डेस्कटॉप में दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट है smallseotools.com/backlinksmaker। यहाँ मैंने क्या किया कि बस अपना डोमेन नेम डाला, उसके बाद जो है मेक बैकलिंक्स में क्लिक मार दिया। ये क्या किया कि मेरे लिए जो है बहुत सारा बैकलिंक्स जनरेट कर दे दिए। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई डोमेन नेम चूज़ करता हूँ, ऐसे ही क्या चूज़ करें डोमेन नेम, चलो फेसबुक चूज़ करते हैं, ठीक है। मैं डोमेन नेम कॉपी किया, उसके बाद जो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया मेक बैकलिंक्स। अब क्या है कि जब तक ये रहेगा तब तक आपको इसी पेज में रहना है, ठीक है, इसी वेबसाइट पर आना। ये क्या करेगा कि बहुत सारा जो आपके लिए बैकलिंक्स जनरेट कर दे देगा। हाँ, इसमें ये बात है कि सब बैकलिंक्स काम नहीं करता है, सब अच्छा भी नहीं है, लेकिन इसमें से कौन सा बैकलिंक्स काम किया मेरी वेबसाइट मुझे पता नहीं यार, मेरी वेबसाइट पर, क्योंकि बहुत सारा बैकलिंक जनरेट कर देगा, बहुत सारा कितना जनरेट कर दिया, इतना सारा दिया जनरेट करके देखिए, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस वेबसाइट से जो बैकलिंक मिला वो मेरे लिए काम किया या किससे काम किया, ये मुझे पता नहीं। मैं इसको आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। आप जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको यूज़ करो, टूल्स को फ्री में अवेलेबल है, बदले में आपको बहुत सारा एडसेंस का ऐड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिस बंदे का है वो पूरा ऐड पर भर दिया है एडसेंस से, ठीक है, एडसेंस लगा रहा है, अच्छा बात है। और आप प्रयास करना कि आपका एड ब्लॉकर जो है बंद रहे, क्योंकि अगर ऐसा टूल्स ये बंदा फ्री में दे रहा है हम लोग का भी एक दायित्व बनता है कि हाँ उसका भी थोड़ा कुछ इनकम हो, एड ब्लॉकर को बंद मत करना। गाइस, यही सब रहा, आई थिंक इट्स यूजफुल, यू शुड ट्राई दिस टूल। एंड कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट देकर पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जो गूगल का रूल्स है, गूगल के रूल के हिसाब से इसमें जो है काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई सारा वेबसाइट है जो मैं हर वेबसाइट खोल कर नहीं देखा था, जो बैकलिंक जनरेट हुआ मेरे लिए तो मैं सब वेबसाइट खोल के देखा नहीं। गूगल का एक और भी है, आप देखोगे गूगल मेप मास्टर का एक बहुत पुराना वीडियो होगा, उसमें जो जो बंदा है उसका नाम मार्क है, वो बता रहा था कि गूगल का जो वेब मास्टर टूल्स है वहाँ पर जो बैकलिंक्स दिखता है वो सिर्फ लिमिटेड बैकलिंक्स दिखाता है, गूगल सब बैकलिंक्स वो नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिल रहा वैल्यू मिल रहा होगा। एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, उसका वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि भले ही आपके वेब मास्टर में कोई लिंक्स ना शो करे तभी भी वो लिंक्स जो आपको हेल्प करेगा रैंक करने में। और जैसे जानते हो कि सिर्फ बैकलिंक्स एक मेन फैक्टर नहीं होता रैंक करने में, मान लीजिए बैकलिंक्स की वजह से वेबसाइट जो है आ गया टॉप पेज पर, लेकिन यूजर एंगेजमेंट नहीं है तो वो तो फिर वापस चला जाएगा।
सो ये बात ध्यान देना, किसी बैकलिंक्स फैक्टर नहीं है। बैकलिंक्स बस ये करेगा कि आपको जो है फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में आके रख देगा, लेकिन टॉप मिलाने में हेल्प नहीं करेगा। टॉप मिलाने में अगर हेल्प करना है तो यार आपको ऐसा क्वालिटी बनाना पड़ेगा कंटेंट जिससे जो यूजर क्लिक मारे और वो जो सेटिस्फाई हो जाए आपके कंटेंट से, जो भी कंटेंट हो, यूजर आए देखे कि हाँ अच्छा है, वहाँ से अपना जो सर्च है उसको बंद कर दे। सो गाइस ये सब रहा, ये वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे यूज करो। अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दो, कमेंट करो कुछ सुझाव है या कुछ क्वेश्चन है तो, और यार फ्रेंड के साथ शेयर करो और सर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसे वेब मास्टर बैकलिंक्स सीईओ ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड। सो गाइस बाय।